Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of November 2019. So, 19 November 2019 ka news analysis dekhenge. Before we start, these are the questions for you today, jinke answers aap karenge. The first question is, which of the following rocks are known as plutonic rocks? Inme se kin rocks ko plutonic rocks bolte hain? Options are A, deep-seated intrusive igneous rocks, B, metamorphic rocks, C, sedimentary rocks, or D, extrusive igneous rocks. So this is question number 1. Question number 2 is, who among the following was the founder of Swaraj Party? Kaun inme se Swaraj Party ka founder tha? Options are A, Motilal Nehru, B, Jawaharlal Nehru, C, Bal Gangadhar Tilak, or D, C, Rajgopalachari. Question number 3 is, choose the incorrect acid source pair. Yahan pe aapko incorrect acid source pair select karna. Options are A, citric acid and lemon, B, lactic acid and sour milk, C, oxalic acid and ant sting, or D, methanoic acid and nettle sting. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. And mein aapko answer bata dunga, lekin ek bar attempt zarur karna aap, hai na? क्या क्या चीजें हम आज डिस्कस करने वाले, विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. द फर्स्ट इज एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. सेकंड इज भूटान टूरिज्म पॉलिसी. देन एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्कस करेंगे. फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस के बारे में देखेंगे. मैटरनिटी स्कीम पेनिट्रेशन के बारे में देखेंगे, इसमें हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी देखेंगे. देन इसरो. फिर एडिटोरियल्स में हम मैटरनिटी बेनिफिट, शिंजो अबे इन जापान, सुप्रीम कोर्ट एंड इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वर्सेस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ब्रिक्स, उड़ीसा एंड माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ देखेंगे. उसके बाद हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम का एक क्रिटिक भी देखेंगे. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो पहली न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज में है, सिक्योरिटी फॉर गांधी फैमिली इनएडिक्वेट कांग्रेस. रिसेंटली अगर आप न्यूज़ में बने रहे थे तो आपको पता होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो उनका एसपीजी कवर था, गांधी फैमिली से जो एसपीजी कवर था, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो कवर था वो उनसे ले लिया गया है. एसपीजी के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले इसको टारगेट करके. एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. सिक्योरिटी फोर्सेज है, एक बहुत ज़्यादा एलीट सिक्योरिटी फोर्सेज में आती है, और ये जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को. देखो पहले क्या होता था कि पहले ये सारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को देते थे, मतलब पहले ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को देते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब इसमें ये देखा जाता है कि इवेल्युएशन होता है, मतलब करंट प्राइम मिनिस्टर को तो मिलती है लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर में ये देखा जाता है कि उनको कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है. अगर उनको ज़्यादा थ्रेट है तो फिर उनको एसपीजी कवर मिलेगा, लेकिन अगर थ्रेट कम है तो फिर उनको नहीं मिलेगा, जैसा कि मनमोहन सिंह के केस में भी हुआ था. मनमोहन सिंह का भी एनालिसिस किया गया और उसके बाद वो कवर उनसे हटा दिया गया, मतलब एसपीजी कवर की ज़रूरत उनको नहीं थी, ऐसा बाद में देखा गया. तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछते कि एसपीजी प्रोटेक्शन किसको दी जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर्स को दी जाती है, प्रेजेंट एंड फॉर्मर. बट फॉर्मर के केस में अब एनालिसिस किया जाता है कि कितना उनको थ्रेट है. अगर थ्रेट है, इफ देयर इज अ थ्रेट, परसीव्ड थ्रेट, देन ही विल बी गिवन द एसपीजी कवर. बट इफ द थ्रेट इज नॉट देयर फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देन एसपीजी कवर विल नॉट बी गिवन. तो याद रखिएगा कि एसपीजी प्रोटेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लिए है. इंडिया में एट प्रेजेंट देखा जाए तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एसपीजी कवर है ना. प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो एसपीजी कवर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है. इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी था. क्यों था? क्योंकि दो गांधी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी असैसिनेट किए जा चुके हैं, एग्जाम्पल इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, इसलिए उनको एसपीजी कवर दिया गया था, लेकिन अभी वो एसपीजी कवर हटा दिया गया. तो ये एसपीजी के बारे में याद रखिएगा. कुछ और फैक्ट्स याद रखिएगा, दैट कि ये जो एसपीजी बना है ये एसपीजी एक्ट से बना है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के थ्रू बना है, और इट वाज फॉर्म्ड इन 1988 में इसको बनाया गया था. तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने बता दिए बेसिक. आपको याद रखेगा कि प्रेजेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देता है फॉर्मर के केस में, लेकिन अब एनालिसिस किया जाता है कि कितनी थ्रेट है. अगर थ्रेट कम है तो फिर उनको एसपीजी कवर नहीं दिया जाएगा, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी, और अगर एसपीजी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो उनको दिया जाएगा. लेकिन याद रखेगा कि प्राइम मिनिस्टर्स को ही दिया जाता है. गांधी फैमिली एक्सेप्शन क्यों था? क्योंकि दो फैमिली के मेंबर ऑलरेडी असैसिनेट किए जा चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. नो मोर वेवर भूटान टू लेवी चार्जेस ऑन इंडियन टूरिस्ट्स. तो अभी तक क्या होता था कि भूटान में जो इंडियन टूरिस्ट जाते थे उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता था, मतलब उनको एग्जेम्प्ट किया जाता था. बट भूटान ने अब ये मेजर टूरिज्म शिफ्ट किया है, अपनी टूरिज्म पॉलिसी में एक नया शिफ्ट किया है, एंड दे विल बी चार्जिंग सम एक्स्ट्रा लेवी फ्रॉम द रीजनल कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स जो हैं, इन कंट्रीज से कुछ एक्स्ट्रा लेवी भी वो चार्ज करेंगे. तो ये भूटान ने अपनी टूरिज्म पॉलिसी में चेंज किया है. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आया था तो मैं वो आपको बताता हूँ कि भूटान की जो पॉलिसी है, व्हाट इज द भूटान
टूरिज्म पॉलिसी, भूटान टूरिज्म पॉलिसी इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट। ओके, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट इंडिया के किस नेबर की पॉलिसी है, तो इट इज़ द टूरिज्म पॉलिसी ऑफ भूटान, हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट पॉलिसी। इसको हाई वैल्यू लो वॉल्यूम पॉलिसी भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई वैल्यू लो वॉल्यूम पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत होता क्या है कि दे मॉनिटर, वो ये मॉनिटर करते हैं कि वैल्यू ज़्यादा रहे टूरिज्म का, लेकिन इम्पैक्ट जो क्लाइमेट पे, इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे, या फिर इम्पैक्ट जो भूटान की नेचुरल सैलिनिटी में है वो कम पड़े, मतलब कि इम्पैक्ट कम पड़े उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और जो वैल्यू रहे वो ज़्यादा मिले उनको, है ना। तो ये उनका प्रिंसिपल है, इसी कारण वो क्या करते हैं कि लिमिट करते रहते हैं टूरिस्ट के नंबर को भी, लिमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको, वो उतने ही टूरिस्ट को अंदर लाना चाहते हैं जितने कि वो कैरी कर सकें, जितने जिनको कि वो अच्छे से सर्वाइव करा सकें। वो ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं चाहते। भूटान चाहता है कि जो इम्पैक्ट रहे टूरिज्म का ऑन द इन्वायरमेंट, ऑन द नेचुरल एटमॉस्फेयर, वो कम से कम रहे, है ना। याद रखिएगा, हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट, इसी कारण से वो टाइम टाइम पे मॉनिटर करते रहते हैं कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखें तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हो सकता है भूटान की कैरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा बढ़ गया, उस कारण से भी ये चार्जेस जो है लेवी करने का एक रीज़न हो सकता है भूटान का, है ना। तो याद रखिएगा, नाउ दे आर गोइंग टू लेवी चार्जेस ऑन द इंडियन टूरिस्ट। उनकी जो प्रिंसिपल है वो है हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट, या फिर उसको हाई वैल्यू लो वॉल्यूम भी कहा जाता है, ये भी आप इसको याद रखिएगा। सो दिस इज़ अ फैक्ट, काफ़ी अच्छा न्यूज़ आइटम था, इसको याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, एयर क्वालिटी लाइकली टू बी सीवियर अगेन बाय थर्सडे। तो एयर क्वालिटी दिल्ली की फिर से वर्सन होने की कगार पे है। अब कल मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, उसके अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स बताए थे। एक बार जल्दी से वो और रिवाइज करा देता हूँ मैं। 8 पॉल्यूटेंट्स में एक तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है PM 2.5, एक होता है PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, देन ओजोन होता है, देन आपका NO2 होता है, NO2, देन आपका SO2 होता है, देन आपका NH3 होता है यानी कि अमोनिया, देन आपका लेड होता है यानी कि PV। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5, PM 10, ओजोन, NO2, SO2, NH3 यानी कि अमोनिया, एंड लेड यानी कि PV। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं। एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में 12 आते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था, आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इन 4 के नाम लिखिए जो एक्स्ट्रा एम्बियंट एयर क्वालिटी में आते हैं। उसके बाद मैंने आपको सफ़र के बारे में बताया था, व्हाट इज़ सफ़र, ये आपका वही एयर क्वालिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जिसको IIMT पुणे ने बनाया है, ठीक है ना। IIMT पुणे ने बनाया है इसको, सफ़र को, और वेदर फोरकास्टिंग 72 आवर्स तक ही कर सकता है। कितने घंटे की करता है? 72 घंटों तक ही वेदर फोरकास्टिंग करता है, प्लस एयर क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ एयर भी बताता है। CPCB भी न्यूज़ में था, तो अब मैं इसका बेसिक आपको हाईलाइट को बता देता हूँ कि CPCB क्या है। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कहना चाहिए कि ये इंडिया में एपेक्स टेक्निकल बॉडी है जो कि पॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखती है, जानकारी रखती है। तो इट इज़ द एपेक्स टेक्निकल बॉडी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों स्टैट्यूटरी है? देखो, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो कि एक स्टैट्यूट यानी कि एक्ट के थ्रू बनी हो। तो जो ये बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द 1974 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो 1974 का वाटर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था, याद रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, CPCB, ओके। एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसके अंदर पावर, इस जो CPCB बॉडी है उसको एक और एक्ट की पावर दी गई है, वो है एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो याद रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का था, और अगर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का है, तो अगर आपको UPSC कंफ्यूज करता है कि जो CPCB थी वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981 से बनी थी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बना था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, बट इसको भी वो कंट्रोल करता है, तो ये याद रखिएगा। इट इज़ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री जो कि पोल्यूशन के फील्ड में काम करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है, टेक्निकल बॉडी है, ठीक है ना। तो ये भी CPCB के बारे में हमने देख लिया, सफ़र देख लिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लिया, उसके 8 पैरामीटर्स देख लिए जिनको कि मेजर किया जाता है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो आपको और बेकार की चीज़ें बताने से अच्छा है कि आपको वो चीज़ें बताई जाए जिससे क्वेश्चन आएगा, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम्स की तरह मूव करते हैं। आज इंदिरा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी भी है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था।
केन क्रशिंग टू बी हेल्ड अप एज शिटी सीक्स एफआरपी एट वन गो। देखो एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। थोड़ा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। व्हाट हैपेंस इज दैट आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम सुना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको एफआरपी जानना है कि क्या होता है, तो इट इज द एमएसपी गिवन फॉर शुगर केन। ओके, तो एमएसपी गिवन फॉर शुगर केन इज नोन एज एफआरपी, यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। जो एमएसपी होता है ना नॉर्मल सीरियल्स के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, उसी को अगर हम शुगर केन को देते हैं तो वो एमएसपी की जगह एफआरपी कहलाने लगता है। तो जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर शुगर केन, दैट इज नोन एज द एफआरपी। ये याद रखिएगा, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के बारे में बताता हूँ कि इट इज द मिनिमम प्राइस एट विच द शुगर केन इज टू बी परचेस्ड बाय द शुगर मिल्स फ्रॉम द फार्मर्स। ओके, तो ये वो मिनिमम प्राइस है, ये वो मिनिमम प्राइस है या रेट है जिसपे शुगर केन खरीदा जाता है बाय द शुगर मिल्स। ओके, फार्मर्स के थ्रू शुगर मिल्स जब शुगर केन खरीदती हैं तो जिस मिनिमम प्राइस पे वो चीज़ को खरीदती हैं वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कहलाता है। फिक्स इसको कौन करता है? फिक्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसको यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करता है, और इसको फिक्स करने का जो रिकमेंडेशन देता है वो CACP देता है। ये याद रखेगा, रिकमेंडेशन कौन देता है? CACP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो कि एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर द यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो बताता है कि कितना FRP होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे यूनियन गवर्नमेंट FRP यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस को फिक्स करती है। FRP क्या हो गया? मिनिमम प्राइस जिसमें कि शुगर केन शुगर मिल्स द्वारा खरीदा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेगा। इस बार जो शुगर केन प्रोडक्शन है महाराष्ट्र में बहुत कम हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ अनसीजनल रेनफॉल हुई थी। पहले ड्रॉट पड़ा, फिर अनसीजनल रेनफॉल हुई, फिर जो अनटाइमली रेनफॉल फिर से होने लगी। इससे बहुत सारे एकर्स ऑफ लैंड जो था शुगर केन प्रोडक्शन में, वो रून हो गया। इट वॉज रूनड, एंड इसलिए कि मतलब 40% डिक्लाइन होगा शुगर केन के प्रोडक्शन में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 40% डिक्लाइन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द शुगर केन प्रोडक्शन। न्यूज़ ये थी बेसिकली कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो थे वो अलग अलग करके इंस्टॉलमेंट्स में दिए जा रहे थे, लेकिन जो बात चली, मतलब कि जो शेट्टीलेट स्वाभिमानी शेतकारी संगठन है, मतलब SSS है, वो ये बोल रहा है कि जो आप FRP पे करते हैं वो आप पूरा वन टाइम पेमेंट करो। ओके, वन टाइम पेमेंट करो। फैक्ट्री ओनर्स को कहा जा रहा है कि आप वन टाइम पेमेंट करो, ऐसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मत करो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन FRP ऑल्सो, आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। मैटर्निटी स्कीम रीचेज ओनली 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज। तो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS2 एंड GS3 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो हेल्थ वाला सेगमेंट आता है, यानी कि जो वेमेन वाला सेगमेंट आता है, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैटर्निटी बेनिफिट जो स्कीम्स होती हैं वो बहुत कम, केवल 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज तक ही पहुँच पा रही है। इसमें जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जो कि फर्स्ट चाइल्ड के लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं इसके अंदर, मातृवंदना योजना के अंदर, ठीक है ना। इसमें 6,000 का कैश बेनिफिट है। इट इज टारगेटेड ओनली एट वुमेन डिलीवरिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, एंड अ कैश बेनिफिट अमाउंट ऑफ ₹6,000 टू बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा। और इसके कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस कौन कौन सी है मातृवंदना योजना की? यू हैव टू डू अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आपको एक अर्ली रजिस्ट्रेशन करना है प्रेगनेंसी का। देन यू शुड हैव एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप कराना है, एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको ₹6,000 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं, ठीक है ना। पहला तो रजिस्ट्रेशन कराओ प्रेगनेंसी का, दूसरा एंटीनेटल चेकअप कराओ, एंड तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन कराना है चाइल्ड बर्थ का। तो ये आप कंडीशंस फुलफिल करते हो तो कैश अमाउंट 6,000 का दिया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। लेकिन जो बात है, जो अभी जच्चा बच्चा सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला है कि देर आर ओनली 31% हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम। टोटल एलिजिबल के केवल 31% महिलाएं ही हैं जो कि इस स्कीम से बेनिफिट ले पा रही हैं। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द इशू, कि आपको क्या करना है, आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। आपको पहले लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ऐसी कोई स्कीम भी है, गांव के लोगों को, जो ट्राइबल एरियाज है वहां की महिलाओं को, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो इस न्यूज़ आइटम में यही था कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना स्कीम तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसके बारे में जब तक आप स्प्रेड नहीं करते हो, जब तक आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं देते हो, तब तक वो किस तरीके से इसका बेनिफिट उठा पाएंगी। तो 31% महिलाएं ही हैं जो कि मातृवंदना योजना का बेनिफिट ले पा रही हैं। ओके, एंड जितने इनरोल हुई हैं उनमें से भी केवल 61% ही हैं जिनको कि इंस्टॉलमेंट ये मिला है। ओके, तो इंटाइटलमेंट जो ₹6,000 का था वो भी केवल 61% को ही दिया गया है ना। तो ये भी एक बात है।
तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना याद रखिएगा, जिन महिलाओं ने आपने प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराया है या एटलीस्ट वन एंटी नेटल चेकअप कराया है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ किया है, तो उन महिलाओं को 6,000 रुपये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। सो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। अब यहाँ पे देखो वही है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जो मैंने बताया, जो पॉइंट बताया कि क्यों ऐसा है कि बेनिफिट नहीं उठा पा रहे लोग, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो वो इस स्कीम का बेनिफिट भी नहीं उठा पाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो बेनिफिट कैसे उठाएंगे, तो आप अवेयर पहले कराओ। इसरो गेट्स सेट फॉर लॉन्च ऑफ कार्टोसेट 3। तो अब देखो यहाँ पे जो बेसिकली न्यूज़ आइटम है ये है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कार्टोसेट 3 को लॉन्च करने वाला है। PSLV C-47 से लॉन्च होगा, PSLV C-47 से लॉन्चिंग होगी। कार्टोसेट है क्या? एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग एंड मैपिंग सेटेलाइट है। अर्थ इमेजिंग, अर्थ की अलग अलग इमेजेस लेता है, अलग अलग एंगल से अर्थ की इमेजेस लेंगे, उससे पता करने की कोशिश करेंगे, देन मैपिंग, मैपिंग की भी सैटेलाइट है। तो कार्टोसैट जो है वो अर्थ इमेजिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट है। PSLV C-47 के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, ही इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। हु वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, तो उनको बहुत पहले पता चल गया था कि स्पेस टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा आने वाले समय में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने फॉर्म किया था इनकोस्पार। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर्म्ड द इनकोस्पार, जिसको फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इनकोस्पार बनाया था 1962 में, डॉक्टर विक्रम साराभाई की एंड डॉक्टर रामनाथन की लीडरशिप में बना था 1962 में, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बाद में 1969 में इसी इनकोस्पार को कन्वर्ट कर दिया गया इसरो में। ओके, तो ये याद रखिएगा कि 1969 में ये फिर इसरो बन गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया 15 अगस्त 1969 को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसरो फाइनली कब बना था, तो 1969 में बना था। उसके पहले इनकोस्पार था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये बना था साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन की लीडरशिप में 1962 में, एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था। तो ये भी याद रखेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टोसैट 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया, एडवांस्ड अर्थ अर्थ मैप इमेजिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट है। PSLV C-47 के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। सो दिस वॉज द न्यूज दैट इज देयर। आगे की तरफ मूव करते हैं ना, एडिटोरियल्स में आते हैं। द मदर ऑफ नॉन इशूज, द मदर ऑफ नॉन इशूज, जीन रेज ने आर्टिकल लिखा है, काफी ज्यादा अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे वही है कि मैटर्निटी बेनिफिट जो है उनको इग्नोर किया जा रहा है इंडिया में, उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। एक बार मैं आपको जल्दी से इसको रीड करके थोड़ा बताऊंगा, समझाता जाऊंगा, रीड करता जाऊंगा, ताकि आपका कुछ कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात कि मैटर्निटी बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द वुमेन जो कि फॉर्मल या इनफॉर्मल जॉब एम्प्लॉयमेंट से आती हैं, या फिर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की वुमेन जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैटर्निटी बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका बेनिफिट हर महिला को मिलना चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट्स लेते हो तो आपको एक मॉनेटरी सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, प्लस जो चेकअप्स और ये सब चीज़ें आप कराते हो तो उससे जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्रीज होता है, जो लाइव बर्थ्स हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट्स का यूज़ करते हो तो किया जाता है। अभी जच्चा बच्चा सर्वे हुआ था जो कि स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने किया था 6 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको कि नॉलेज नहीं है, एंड ओनली ऊपर की जो न्यूज़ थी उसमें ओनली 31% महिलाएं जिनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का बेनिफिट मिल रहा है। केवल 61% महिलाएं ऐसी जिनको पैसा इंस्टॉलमेंट का दिया जा रहा है जो इनरोल्ड है अंडर द स्कीम। तो ये अलग अलग इश्यूज़ हैं जो कि मैटर्निटी बेनिफिट से रिलेटेड हैं, और केवल 61% ही महिलाएं ऐसी हैं जिनको पता भी ऐसी किसी स्कीम के बारे में। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा जो रजिस्टर्ड है उनको इंस्टॉलमेंट्स मिल नहीं रही है, तीसरा ऐसी स्कीम्स हैं जिसका बेनिफिट केवल 1/3 महिलाएँ ले रही हैं, 2/3 नहीं ले पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम पिछले 6 महीने की डिलीवरीज को देखें तो ओनली 31% वर देयर जो कि मातृ वंदना योजना का बेनिफिट ले पा रही थी।
उसी के साथ कुछ और जो इश्यूज हैं मैटरनिटी से रिलेटेड जो जीन ड्रेस ने उठाए हैं वो बता देता हूँ. इन द प्रीसीडिंग सिक्स मंथ ओनली 31% हैव ईटन मोर न्यूट्रिशन फूड दैन यूजुअल. ओके, केवल 31% ही महिलाएं ऐसी जिन्होंने कि न्यूट्रिशियस फूड लिया यूजुअल से, अदरवाइज उन्होंने यूजुअल फूड ही लिया है. जो एवरेज वेट गेन था अगर हम 6 महीने की बात करें तो केवल 6 से 7 किलो था, जबकि होना कितना चाहिए 13 से 18 किलो होना चाहिए. तो मतलब कि जो वेट गेन था वो भी ज़्यादा नहीं हुआ. इसका मतलब कि ज़्यादा हेल्दी फूड न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाया गया. स्कीम्स की बात करेंगे, क्या क्या स्कीम्स हैं इंडिया में मेटर्निटी बेनिफिट के लिए. तो एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जाते हैं. ओके, नेशनल NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में आया था उसके अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जाते हैं. देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PM जो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंतर्गत भी मेटर्निटी बेनिफिट में पैसे दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग. ओके, लेकिन अगर हम देखें कि कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं तो केवल और केवल टोटल का 20 से 22% यानी कि 20 से 30% ही महिलाएं. आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि केवल 20 से 30% ही महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोग्राम का बेनिफिट मिल रहा है. 20 से 30% के अंदर ही ऐसा नंबर आता है. ओके, अब ऑथर ने यह भी बताया कि किस तरीके से ये जो क्या 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 कारण है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी वो सफल नहीं हो पाई, यानी केवल 31% महिलाएं ही क्यों उसके अंतर्गत बेनिफिट ले पाई. तो फर्स्ट जो था वो ये रीजन था उसका, अवेयरनेस का. ओके, द अवेयरनेस वॉज द मेजर इशू कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, है ना, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था. और जो बेनिफिट्स और कवरेज थे उसको भी घटा दिया गया था. तो जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे, जो जो बेनिफिट्स मिल रहे थे मातृ वंदना योजना में, वो डिक्रीज्ड बेनिफिट्स थे, मतलब कि पुरानी स्कीम से घटे हुए बेनिफिट्स थे. और दूसरा ये रीज़न था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, अवेयरनेस इसके बारे में नहीं थी. दूसरा एक और रीज़न ये है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी मातृ वंदना योजना की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो एप्लीकेशन प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा टीडियस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा कठिन बना दी गई थी. ओके, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन थी जिनकी ज़रूरत पड़ रही थी. तो ये एक बॉटल नेक था, एक इशू था जिस कारण कि मातृ वंदना योजना का बेनिफिट लोगों नहीं उठा पाए. ओके, देन तीसरा जो है कि जो पेमेंट प्रोसेस है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे. तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण भी लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पाए. अब कल कुछ लोगों ने बोला था कि एडिटोरियल्स को एक बार समराइज कर दिया करिए, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ ये पूरा आर्टिकल. जो ये आर्टिकल था ये लिखा गया था मैटरनिटी बेनिफिट्स के ऊपर. सबसे पहले ऑथर ने बताया कि मैटरनिटी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, स्पेशली फॉर द वुमेन इन जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, या फिर जो लोअर मिडिल क्लास पुअर फैमिलीज की वुमेन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम के अंतर्गत इनरोल हो जाते हो तो. लेकिन ऑथर ने जो इशू उठाया वो ये उठाया कि जो स्कीम्स हैं मैटरनिटी बेनिफिट की इंडिया में वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का उन्होंने डाटा दिया कि केवल 31% महिलाएँ ऐसी थी जो कि न्यूट्रिशियस फूड ले पा रही थी यूजुअल से ज़्यादा. या फिर वेट गेन देखा जाए तो केवल 7 किलो का हुआ है पिछले 6 महीने में मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि 13 से 18 किलो को होना चाहिए. फिर ऑथर ने मैटरनिटी स्कीम्स की बात की है, जैसे कि उन्होंने NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं उनकी बात की है, प्लस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की है. ऑथर ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत क्यों फेलियर हुआ. फेलियर इसलिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी उसके बारे में. दूसरा जो बेनिफिट्स थे वो डिक्रीज्ड बेनिफिट्स थे. एप्लीकेशन प्रोसेस जो थी बहुत ज़्यादा टीडियस थी, बहुत ज़्यादा टफ थी, और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ रही थी. और जो लास्ट रीज़न बताया था वो क्या बताया था, टेक्निकल ग्लिचेज और पेमेंट का जो फेलियर, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये भी एक रीज़न है कि मातृ वंदना योजना स्कीम सफल नहीं हुई. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है UPSC में कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वॉज नॉट अ बिग सक्सेस, गिव रीजन्स फॉर द आंसर्स, तो आप जरूर बताइएगा. इनफैक्ट आप देखो, आपने न्यूज़ सुन ली, मैंने आपको पूरा बता दिया, समराइज कर दिया. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, या फिर आप लिख सकते हो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम इन इंडिया हैव नॉट बीन अ बिग सक्सेस, वॉट हैज बीन द रीजन्स फॉर दैट, वॉट हैव बीन द रीजन्स फॉर दैट. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या फिर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स आर नॉट वेरी यूजफुल, आर नॉट हैव नॉट क्रिएटेड बिग इम्पैक्ट्स इन इंडिया, वॉट हैज बीन द रीजन फॉर दैट. ओके, तो ये आंसर आप जरूर लिखेगा इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टू द सेकेंड एडिटोरियल, व्हेन लॉन्जेविटी इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. तो यहाँ पे शिंजो अवे की बात की जा रही है. शिंजो अवे जो रहे हैं, ही विल बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जापान के बनने वाले हैं. तारो कत्सुरा थे इसके पहले, एंड उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे 20 नवंबर को शिंजो अवे. एंड
देखो शिंजो आबे के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि शिंजो आबे ने जो किया काम वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा किया। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स एक नाम है जो आपने देखा होगा, तो वो शिंजो आबे के कारण ही आता है। तो शिंजो आबे ने डिफ्लेशन और जो डिक्लाइन हो रहा था इकोनॉमिक्स में उससे लड़ाई की और ग्रोथ थोड़ा लाए कंट्री में। ग्रोथ मतलब कि देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं आई जापान में, अगर हम आगे देखेंगे तो जापान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है कि आप सुपर पावर जापान बोल दो इस समय, लेकिन डिफ्लेशन और जो डिक्लाइन हो रहा था उससे ज़रूर इकोनॉमी को बाहर निकाला शिंजो आबे ने। देन ही प्लेड अ मेजर रोल इन द मिलिट्री कैपेबिलिटी, मतलब कि वो पहली बार था जापान में जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया, तो ये शिंजो आबे के अंतर्गत ही हुआ कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो थी जापान की वो इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई अंडर शिंजो आबे फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ओके ये सारी चीजें हैं। ऑथर ने ये कहा है देखो कि जो शिंजो आबे पावर में है, या फिर जो क्रिटिक्स ने ये कहा है कि शिंजो आबे पावर में इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन वीक है। अगर आप प्रॉपर ऑपोजिशन ला दो, कोई स्ट्रांग ऑपोजिशन ला दो, तो शिंजो आबे पावर में नहीं रहेंगे। तो इसका जो रीजन है उन्होंने टीना फैक्टर बोलते हैं इसको। टीना फैक्टर मतलब कि देर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर, देर इज नो अल्टरनेटिव, इसको टीना फैक्टर बोलते हैं। तो टीना फैक्टर के कारण ही शिंजो आबे जो है वो पावर में है। इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के तीन पिलर होते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ टर्म कॉइंड बाय शिंजो आबे ओनली, एंड इसमें तीन पिलर्स होते हैं जिनको कि महत्व दिया गया था शिंजो आबे द्वारा। पहला है मॉनिटरी ईजिंग, करो आप मॉनिटरी पॉलिसीज को ईजी करो, मतलब कि जो रेपो रेट है ये सारी चीज़ें इंक्रीज ना करो, इसको डिक्रीज करो थोड़ा, तो ये मॉनिटरी पॉलिसी ईजिंग कहलाती है। देन आपका फिस्कल स्पेंडिंग, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। तीसरा डी रेगुलेशन, डी रेगुलेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट को आगे बढ़ाओ। डी रेगुलेशन का मतलब है कि आप प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनके ऊपर से जो शिकंजा है उसको थोड़ा ढीला करो। ये तीन पिलर्स हैं शिंजो इकोनॉमिक्स के। ओके तो इकोनॉमिक्स के तीन पिलर, मॉनेटरी ईजिंग, फिस्कल स्पेंडिंग एंड डी रेगुलेशन, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा। तो ये भी आपको मैंने बता दिया शिंजो आबे का, है ना। इसके बाद अगर हम शिंजो आबे की बात करें तो उन्होंने मतलब जापान को बहुत सारे चीज़ों में, जैसे उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात की जिसमें यूएसए ने बाद में विड्रॉ ज़रूर कर लिया, लेकिन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात की। उसके बाद शिंजो आबे ने सबसे पहले क्या किया कि मतलब कि मिलिट्री फाइटिंग ओवरसीज़ के लिए उन्होंने पहली बार भेजा, जो कि कहीं मतलब कभी नहीं हुआ वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि मिलिटरली जापान एक्टिव रहे, बट ये पहली बार हुआ था शिंजो आबे के अंदर कि मिलिटरली भी वो एक्टिव हुए थे, है ना। उसके बाद जो रीजनल पावर्स हैं जैसे कि इंडिया को ही ले लीजिए, तो उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना, रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाना, ये भी शिंजो आबे का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके अलावा जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन करने की बात की है शिंजो आबे ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली कि क्या शिंजो आबे के अचीवमेंट्स हैं, क्या इकोनॉमिक्स हैं, और हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है ना, जापान के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो जापान की जो इकोनॉमी है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट में, वो लंगड़ी इकोनॉमी ही है, मतलब लिंपिंग स्टेट में ही है अगर आप देखा जाए तो। उनको हम टेक्नोलॉजिकल लीडर्स नहीं बोल सकते, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कोई योगदान दिया नहीं है जापान ने। तो ये सारी चीज़ें, प्लस जापान की जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली अपने जो ग्रोथ फोरकास्ट उनको भी डाउनग्रेड किया है। पहले उन्होंने 1.3% बोला था, अब 0.9% पे आ गए हैं फिर से उन्होंने। दूसरा कि जो साउथ कोरिया है उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, प्लस उनका जो कुछ जो वॉर क्राइम्स किए थे, कंफर्ट वुमेन वाली चीज़ें जो थी, इन सब के कारण भी उनकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अपने नेबर्स के प्रति, जैसे कि चाइना ले लो चाहे आप साउथ कोरिया ले लो, तो यहाँ पे उनके ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं फॉर द जापानीज। कंक्लूजन देखा जाए तो बहुत सारे अपहीवल्स हैं जिनके बाद मिस्टर शिंजो आबे जो थे उन्होंने ऊपर नीचे होते गए, उनका जो टर्म था वो लॉन्गेस्ट सर्विंग टर्म हो जाएगा 20 नवंबर को। तो वही ये पूरा आर्टिकल था, एक बार आपको समराइज कर देता हूँ शिंजो आबे के बारे में बताएगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जापान के होने वाले हैं। ओके इसके पहले जो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे वो तारो कत्सुरा थे, एंड इसके बाद उन्होंने जो आर्टिकल में ऑथर हैं उन्होंने शिंजो आबे के अचीवमेंट्स बताए, जैसे कि उन्होंने मिलिटरली पहली बार एक्टिव किया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे किए, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात की, इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात की, देन इकोनॉमिक्स करके टर्म दिया। इकोनॉमिक्स मैंने आपको तीन चीज़ बताई कि क्या है, फिस्कल स्पेंडिंग करो मतलब गवर्नमेंट स्पेंड करे, डी रेगुलेशन करो जो कि प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, एंड आपका जो पहला पॉइंट था वो मॉनिटरी ईजिंग करो मतलब कि जो रेट्स हैं उनको थोड़ा डिक्रीज करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
लोग पैसा मिले और ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो ये शिंजो अबे का इकोनॉमिक्स था। उसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स जापान की बता दी कि लिंपिंग स्टेट में इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो नहीं रहा है, जो नेबर्स हैं साउथ कोरिया चाइना, इनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जापान के। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी एक डिटेल्ड आउटपुट आपको मिला होगा रिगार्डिंग जापान। ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनेबलिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एसआर स्टील बैंक्रप्सी मामले में अपना जजमेंट दिया है। देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के बारे में बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट होने वाली है, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है कि जब उसकी वसूली ना हो पाए, जैसे मान लो पाँच लोगों ने पैसे लगाए थे किसी एक कंपनी में, ओके, पांच अलग अलग लोगों से पैसे लेके कोई कंपनी चल रही थी, लेकिन अब वो कंपनी दिवालिया हो गई है, मतलब कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसके पास पैसा नहीं बचा है। तो अब इस कंपनी की चीज़ों को बेच बेच कर, इस कंपनी की जो मतलब एसेट्स हैं इनको बेच करके इन लोगों के पैसे रिटर्न किए जाएंगे, ओके, ये कहलाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। ओके याद रखिएगा, जब जो जो लोग लोन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्रेडिटर बोलते हैं। जो लोग पैसा देते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं और जो पैसा लेता है वो डेटर कहलाता है, ठीक है ना। तो जो पैसा देते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, जो लेते हैं वो डेटर कहलाते हैं। ना होता क्या है इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी के अंदर, मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाए यानी कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, इट हैज़ नो अमाउंट टू पे टू द क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दिया था, तो इस कंपनी की चीज़ों को बेच बेच करके, एसेट्स को बेच करके, शेयर को बेच करके जो क्रेडिटर्स थे उनको पैसा दिया जाता है। अब जो क्रेडिटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, आई एम गिविंग यू द टेक्निकलिटीज़। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, समझाना बहुत ज़रूरी है, रीड तो बाद में आप भी कर लेंगे। क्रेडिटर्स दो तरीके के, एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं, देखो अब मैंने बता दी जो क्रेडिटर दो हो गए, एक ऑपरेशनल और एक फाइनेंशियल। ओके, फाइनेंशियल, तो ऑपरेशनल वो हो गए जो कि ऑपरेशनल इश्यूज़ के लिए डेट देते हैं, जैसे कि डेट नहीं देते, ऑपरेशनल इशूज़ के लिए देते, जो फ्यूचर पेमेंट के लिए देते, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपने किसी से माल लिया, आपने आपको साड़ियाँ बनानी है लेकिन आपको कपड़ा तो खरीदना पड़ेगा, तो अगर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि यार जब मैं साड़ी बेच दूंगा तो मैं जो पैसा आएगा वो तुझे दूंगा, तो ऐसे जो लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग ऑपरेशंस के लिए जो उधार देते हैं वो लोग ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जो कि एक इंटरेस्ट या एक डेट के बेसिस पे देते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर हमेशा एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, एक प्रॉपर डेट, डिबेंचर, इन सब चीज़ों के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्ट रेट लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक जो हो गया, बैंक अगर हो गया तो बैंक एक फाइनेंशियल डेटर क्रेडिटर रहेगा, क्यों, क्योंकि वो एक इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको पैसा देगा, एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी, है ना। और दूसरा जो ऑपरेशनल था वो क्या क्या बोला ऑपरेशनल, मैंने ऑपरेशनल वो हो गया जो कि फ्यूचर पेमेंट के बेसिस पे देते हैं, जो कि ऑपरेशन यानी सर्विसेज गुड्स के रिगार्डिंग पैसा देते हैं। जैसे कि आपने किसी से, आपको साड़ी बनानी है, आपका साड़ी बनाने का बिजनेस है, लेकिन आपको उसके लिए जो टेक्सटाइल है वो आप खरीद रहे हैं, पर आप उसको क्या बोलते हैं कि जब मैं साड़ी बेच दूंगा तो मैं तुझे पैसा दे दूंगा, तो ये इसमें कोई अलग से इंटरेस्ट रेट नहीं लगता, ये सब नहीं लगता, और इसके बेसिस में एक फॉर्मल एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं होता है, तो वो ऑपरेशनल कहलाते हैं। अब जो इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी होती है, अब मान लो मैंने आपको थोड़ी इसको और अच्छी डिटेल में समझते हैं, जब इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी होगी, मतलब अगर किसी कंपनी का इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि मान लो चार लोगों से उन्होंने पैसा लिया था, ये है क्रेडिटर वन, क्रेडिटर टू, क्रेडिटर थ्री एंड क्रेडिटर फोर। इनमें से ये तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब मैं आपसे अगर आपसे पूछूं कि अगर इस कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे तो इनमें से पहला किसको पैसा दिया जाएगा, पहले किसको पैसा दिया जाएगा, मतलब F1 में और ये F3 में, जो C1 और C3 है, मतलब क्रेडिटर वन और क्रेडिटर थ्री है, क्रेडिटर वन आपका फाइनेंशियल है, क्रेडिटर थ्री आपका ऑपरेशनल है, तो इनमें से पहले किसको पे किया जाएगा। दोनों से ही उधार लिया है, सपोज इससे भी 5,000 रुपये लिया था, इससे भी 5,000 रुपये लिया था, अब बताओ कि किसको पहले दिया जाएगा। तो याद रखना कि जो इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड है उसके तहत जो पहला
जो राइट रहता है किसी भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का, वो हमेशा फाइनेंशियल क्रेडिटर का रहेगा, ना कि ऑपरेशनल क्रेडिटर का। अब अगर आपने इतनी चीज़ समझ ली तो आपको ये एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यही जजमेंट दिया है कि जो पहला राइट रहता है किसी का भी, वो प्राइमेसी रहती है फाइनेंशियल क्रेडिटर की ओवर द ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है ना, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा चीज़ समझाया, ताकि आपको बिल्कुल टेक्निकलिटी के साथ समझ में आ जाए, पूरे इशू क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो प्रिलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो अगर आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और पूरा डिफरेंस नहीं समझ में आता है तो आप इसको नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने पूरा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, हु विल गेट प्राइमेसी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि द प्राइमेसी विल बी ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। जो मैंने आपको बताया कि अगर F1 जो मतलब जो C1 था, C1 आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर था, C3 आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर था, तो पहले C1 को दिया जाएगा। जब कंपनी के चीज़ों को बेचा जाएगा तो पहला जो हक रहेगा वो C1 का रहेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ना कि C3 का जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर था। दूसरी चीज़, और एक और चीज़ बताता हूँ, अब देखो ना, दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक और डिसीजन लिया गया है कि जो COC होता है, यानी कि एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाती है, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल रहेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो COC है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, वो सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग ऑन द कमर्शियल इश्यूज, इंक्लूडिंग द रीपेमेंट वाटरफॉल इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो COC का जो कहना रहेगा वो फाइनल रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रहते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन आएगा? जो भी क्रेडिटर है, जैसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात करें, जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें C1 भी आएगा, C2 भी आएगा, C3 भी आएगा, C4 भी आएगा, ये याद रखना। बट जो C3 रहेगा, जो कि ऑपरेशनल क्रेडिटर था, इसको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, C1, C2, C4 को रहेगा। तो उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको दूसरा पॉइंट भी समझा दिया कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो रहेगा डिसीजन फाइनल रहेगा, सुप्रीम रहेगा। यही बॉडी सुप्रीम है कि जो कि डिसाइड करेगी इंसॉल्वेंसी के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, कि कितना किसको पेमेंट वाटरफॉल मिलेगा। लेकिन इसमें जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रहते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि एक 330 दिनों का रेजोल्यूशन टाइम पीरियड है, ये सैक्रोसेंक्ट नहीं है। मतलब कि ये देखो, मतलब ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है कि 330 दिनों में तो करना है, लेकिन अगर नहीं हो पाता रेजोल्यूशन तो 330 से ज़्यादा भी किया जा सकता है। क्यों ऐसा होता है? ताकि क्रेडिटर्स को प्रेशराइज ना किया जाए कि आपको जो डील मिल रही है वो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज 330 दिन बीत जाएंगे, है ना। देखो मान लो मैंने 329 दिन हो गए, लेकिन अभी ये डिसीजन नहीं हो पाया कि किस क्रेडिटर को कितना मिलेगा, तो इसको 330 से बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि बिना प्रेशर में डिसीजन ना लिया जाए। ऐसा ना हो कि 329वें दिन में लोग प्रेशर में आ जाएं और बोले कि ठीक है जो भी दे रहे हो देते जाओ, तो क्योंकि कल 330 दिन हो जाएंगे, फिर आगे टाइम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ड्यूरेशन है, ये एक ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो डू नॉट गेट प्रेशराइज, क्रेडिटर्स के पास पूरा हक है कि उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने मदद की है, तो उनको उनका पैसा लेने का पूरा हक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। तो ये सारे डिसीजन थे जो कि अभी लिए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में समझ में आई होंगी, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो यहाँ पे श्रीलंका की बात की गई है, वही इलेक्शन की, तो ये मैंने ज़्यादा इसको बताया नहीं। गोताबाया राजपक्ष ही इज़ द विनर, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ श्रीलंका। एंड अगर वहाँ का वोटिंग पैटर्न देखें तो तमिल और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वहाँ पे उनको बिल्कुल वोट नहीं मिले हैं, सिन्हली स्पीकिंग वोट्स इनको बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो वो एक रीज़न है जिनके कारण इन्होंने जीता है। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है जो कि रीजनल जो एथनिक बाइफरकेशन है, एथनिक बाइफरकेशन है वो बहुत क्लियरली है श्रीलंका में अभी भी। और ये पोलराइजेशन की बात कर रहे थे कि एथनिक पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दो टर्म्स याद रखिएगा कि श्रीलंका में एथनिक बाइफरकेशन और ये जो एथनिक पोलराइजेशन है वो क्लियर है बाय दिस रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट, कि अगर आप देखें तो सिन्हलीज का वोट पूरा मिला है और माइनॉरिटी और तमिलियंस का वोट बिल्कुल नहीं मिला है। तो दिखाता है कि एक बिल्कुल एक डिवाइड है, कि एक जो बाइफरकेशन है दो सिन्हली स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग में, और जो बुद्धिस्ट हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में क्लियर डिवाइड वहाँ पे देखा जा सकता है।
ब्रिक्स ऑन द बॉल, अब ये जो है वो अभी रिसेंटली 11th समिट होने वाला है, जो जो हुआ था अभी उसके बारे में है. ओके, 11th समिट ब्रिक्स का हुआ था कहाँ पे? ब्राजीलिया, ब्राजील में हुआ था. ओके, तो उसके बारे में आर्टिकल है. अब ऑथर ने सबसे पहले तो ब्राज़ील के बारे में ये बोला है कि ये जो ग्रुपिंग है ये हमेशा हर जगह सेम चीज़ ही बोलते हैं, ये हर जगह सेम चीज़ ही बोलते हैं, दे स्पेल आउट द सेम थिंग एवरीवेयर, है ना, चाहे वो पीस की बात हो चाहे हिस की बात हो, वो सारी चीज़ें ही वो करते हैं. दैट इन एवरी मीटिंग ऑफ ब्रिक्स लीडर्स आर रिपीटिंग द सेम थिंग. देखो वही ये पहला क्रिटिक है जो उन्होंने कहा कि इन एवरी मीटिंग दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग. तो अगर आपको ब्रिक्स का क्रिटिक लिखने के लिए है तो आप ये लिख सकते हो. एविडेंस देखो अगर तो अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म द UN, WTO, IMF, ये सारी चीज़ें उन्होंने बार बार कही है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है. बट दे हैव सेड द सेम थिंग, इट देर इज अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म द UN, देर इज अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है. देन वो इंटरेस्ट, दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन ओपन एंड फ्री ट्रेड. वो हर बार फ्री ट्रेड के ऊपर बहुत जोर देते हैं लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकला नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फ्री ट्रेड की बात तो करते हैं लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं. अगर आप देखो चाहे USA को ले लो एग्जांपल ले लो, चाहे आप चाइना को ले लो, बार बार जो अलग अलग ड्यूटीज़ लगाना, ट्रेड वॉर्स करना, ये एग्जाम्पल किसका है? ये प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम का एग्जाम्पल है. ओके, एक और इशू ऑथर ने ये बोला है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप के लिए इंडिया आगे आना चाहता है बट चाइना उसका रास्ता रोक रहा है. रशिया भी नहीं चाहता है कि रशिया और चाइना के अलावा कोई और मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप में आए. तो एक ये चीज़ डिवाइड जो दिखाती है वो चीज़ें हैं. अब ऑथर ने कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं जो ब्रिक्स के बारे में अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि सबसे पहली बात NDB, नेशनल जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत बड़ा बैंक बन गया है और काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बून साबित होगा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो सबसे पहला एडवांसमेंट ये. दूसरा कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे कि आपका IMF का होता है ना, यार आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रही है तो IMF क्या है, आपको पैसे पे कर दिए, दे देती है. तो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी कुछ उसी तरीके का एक प्रोग्राम है जैसे कि IMF का प्रोग्राम है. अगर कोई ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या कुछ इस तरह से क्राइसिस सिचुएशन आती है तो वो ब्रिक्स कंट्रीज़ को हेल्प किया जा सके. तो एडवांसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में हमने देखा. दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट देखा. कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट अगर देखो UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू विच ग्रुपिंग, तो याद रखिएगा ब्रिक्स. याद रखिएगा कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रिलेटेड टू विच ग्रुपिंग? ब्रिक्स. और अगर बैंक पूछे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. और बिजनेस में काफ़ी अलायंस करने की बात की जा रही है एंड जो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको अंडरवे करने के लिए काफ़ी डिसीजन लिए गए हैं पिछले समिट में करने के. तो जो फोकस है ब्रिक्स कंट्रीज़ का वो डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है. तो ये भी एक एडवांसमेंट की बात है. एंड पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की बात की जाती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स की बात की जाती है, चाहे कल्चर हो, आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, मीडिया के थ्रू हो, ये भी ये आर्टिकल में बात बोली गई थी. एंड ब्रिक्स के को एक सजेशन दिया है ऑथर ने, ये दिया है कि यू शुड फुलफिल द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स रादर देन टेकिंग द न्यू वंस. पहले आप एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को पूरा करो और नए कमिटमेंट बाद में करना. तो इस आर्टिकल को अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले ब्रिक्स की बात की, जो रिसेंटली ब्राजीलिया डिक्लेरेशन और ब्राजीलिया में जो ये मीटिंग उसकी बात हुई थी. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज आर रिपीटिंग द सेम थिंग एवरीवेयर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात हो, WTO, IMF की बात हो, बार बार वो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग एवरीवेयर. फिर मैंने आपको बताया कि क्या एडवांसमेंट हुए, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, देन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, स्पोर्ट्स, मीडिया के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू, ये कुछ चीज़ें हुई हैं. उसके बाद मैंने आपको जो फाइनल सजेशन ऑथर ने बोला ये है कि दे शुड फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स रादर देन मेकिंग द न्यू वंस. तो ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दैट. बात कर लेते हैं उड़ीसा स्ट्राइड्स इन न्यूट्रिशन. उड़ीसा ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो उड़ीसा ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है. चाहे आप नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 3 देखो या 4 देखो, तो वहाँ पे जो स्टंटिंग है उसमें डिक्लाइन आया है, जो वुमेन हेल्थ है उसमें भी जो अनीमिया थी प्रेग्नेंट वुमेन्स में उसमें भी कमी आई है. तो काफ़ी अच्छा काम किया है न्यूट्रिशन के फील्ड में उड़ीसा ने. कुछ कैंपेन्स का नाम लिया है जिनका यूज़ किया गया उड़ीसा में, जैसे कि वॉश कैंपेन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, देन ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा महत्व लिया गया उड़ीसा में, इनका काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया. लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें उड़ीसा का अभी भी एक रेशियो है, देर इज़ अ चैलेंज इन उड़ीसा, जिसमें कि उड़ीसा में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि
मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आज भी वो मतलब माल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि वहाँ पे ट्राइबल्स को इन्फॉर्मेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं है, ये कुछ इशूज़ हैं जो कि हैं, है ना। और एक और इशू जो है उड़ीसा में देखा गया कि बच्चों को तो ठीक है, अगर आप जब 5-6 महीने 10 महीने 20 महीने ऐसे बच्चे इनको तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़ा बड़े होते जाते हैं तो उनको जो ये फूड कवरेज है वो कम दी जाती है, मतलब उनको ये जो फूड है वो इतना नहीं प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता। इलिटरेसी भी एक इशू है, ओके, इलिटरेसी इज़ ऑल्सो एन इशू जिसके कारण कि ये जो न्यूट्रिशन है प्रॉपरली इसका अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरे पॉइंट्स याद रखिएगा, उड़ीसा में पहले सक्सेस लिखिएगा कि कम हुआ है, स्टंटिंग डिक्रीज़ हुई है, और जो एनीमिया था वुमेंस में वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं, बहुत सारे ट्राइबल वुमेन, ट्राइबल बच्चे ऐसे हैं जिनको कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और इसका रीज़न ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गरीबी है वहाँ पर, तो ये भी एक रीज़न है। एंड जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो यही है कि हाउ टू रीच टू द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर वो वहाँ PVTGs भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ उन तक कैसे पहुँचा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल डोंगरिया खोंड, तो ये डोंगरिया खोंड जो कम्युनिटी है ये भी आपकी उड़ीसा की कम्युनिटी है डोंगरिया खोंड, तो इन सबको कैसे अवेयर किया जाए, कैसे इन तक पहुँचा जाएगा, एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो ये इशूज़ हैं। और दिस वॉज द आर्टिकल, एंड देर इज अ नीड टू इम्प्रूव सैनिटेशन, देर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव सैनिटेशन, वुमेन्स एजुकेशन एंड डिक्रीज द अंडरलाइंग पॉवर्टी। अगर ये चीज़ें टैकल कर लेते हैं हम, तो हम अंडर न्यूट्रिशन को टैकल कर लेंगे। सैनिटेशन को इम्प्रूव करो, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दो, और पॉवर्टी को थोड़ा कम करने की कोशिश करो, तो आपकी जो ये अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो ज़रूर खत्म हो जाएगी। आगे आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो क्रिटिक मैंने बोला था, तो RBI यहाँ पे एक बात चल रही है। देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी हम बात करेंगे, बाकी आपको कई बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस तरीके से होंगे, उनको 100, 1,000, 10,000, 1,00,000 इस तरह के डोनेशन अलग अलग करेंसीज में आप उसको ले सकते हैं, है ना, तो ये सब आपको पता होगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि एक बियरर बॉन्ड है, मतलब कि जिसके पास भी ये होता है ये उसी का हो जाता है। मेरे पास रहेगा तो ये मेरा कहलाएगा, आपके पास होगा तो आपका कहलाएगा, इसलिए जो आइडेंटिटी है कि हु इज़ एक्चुअली मेकिंग द डोनेशन वो क्लियर नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत अच्छा यहाँ पे समझाया है, मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ बियरर बॉन्ड, मतलब कि जो भी इसको होल्ड करता है उसी का हो जाता है, ओके, इसलिए जो प्रॉपर आइडेंटिटी है, देखो सपोज एस हैज़ बॉट दिस फ्रॉम द बैंक, एस ने बियरर एक ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा फ्रॉम द बैंक, ओके, तो बैंक को ये तो पता है कि किसने खरीदा, एस ने खरीदा, लेकिन सपोज एस जो है इसको वाई को बेच दे, वाई इसको जेड को बेच दे, जेड इसको ए को बेच दे, ए इसको बी को बेच दे, ए इसको सी को बेच दे, अब जो सी है वो फाइनल डोनेशन करे टू द पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं पता चलेगा कि कौन डोनेशन कर रहा है, ठीक है ना, ये तो पता चलेगा खरीद कौन रहा है, एस वॉज बाइंग, बट देखो इतनी बड़ी चेन चल गई और लास्ट में सी ने जाके बेचा है, तो वो नहीं पता चल पाता। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड कि आइडेंटिटी ऑफ द डोनर्स इज अननोन, जो खरीद रहा है उसकी तो आइडेंटिटी पता है, बट ये आगे जाके ये सेकेंडरी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, उसके बाद फाइनल डोनेशन कौन करता है पॉलिटिकल पार्टी को वो बिल्कुल नहीं पता चलता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में था कि आइडेंटिटी हिडन थी, जिस कारण से ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई, है ना, जब आइडेंटिटी हाइड हो गई तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई, तो खरीद कौन कोई और रहा है, डोनेशन कोई और कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, एक और आइटम है न्यूज़ का जिसकी बारे में हम बात करेंगे, काला पानी डिस्प्यूट, ओके, काला पानी डिस्प्यूट, ये मैंने ऊपर आपको नहीं बताया सॉरी, बट काला पानी डिस्प्यूट की हम बात करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रिलिम्स पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि काला पानी डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज, काला पानी डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज का डिस्प्यूट है, तो काला पानी डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट है, किसके बीच का, इंडिया और नेपाल का। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, काला पानी रिवर है बेसिकली, काला पानी रिवर, और काला पानी रिवर के जितनी भी ईस्ट टेरिटरीज हैं नेपाल उनको अपना बोलता है, काला पानी रिवर के ईस्ट जितनी टेरिटरीज हैं उनको नेपाल अपना बोलता है। अब एक लिपुगढ़ नाम की जगह है, लिपुगढ़ नाम की एक वाटर बॉडी है, लिपुगढ़, इसको लिपुगढ़ बोलते हैं, लिपुगढ़ इधर है काला पानी, ठीक है, एज पर इंडिया लिपुगढ़ अलग है, काला पानी अलग है, बट एज पर नेपाल लिपुगढ़ एंड काला पानी आर सेम, इसलिए
नेपाल जो है वो काला लिपुगढ़ की से आगे आने वाली जितनी भी टेरिटरीज है उनको अपना बोलता है, क्योंकि लिपुगढ़ काला पानी सेम है। नेपाल क्या बोलता है कि काला पानी के आगे उनकी टेरिटरी है, और उनके अकॉर्डिंग लिपुगढ़ है काला पानी सेम है, इसलिए वो लिपुगढ़ से ही अपनी टेरिटरीज मान लेते हैं। बट इंडिया के अकॉर्डिंग काला पानी और लिपुगढ़ अलग है, और काला पानी से उनकी टेरिटरी शुरू होती है, इसलिए जो ये बीच का एरिया फंसता है, लिपुगढ़ और काला पानी के बीच का एरिया, लगभग 30 से 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो कि आपकी काला पानी डिस्प्यूट कहलाता है। ठीक है ना, आई होप आई एम क्लियर हेयर, मैं आपको क्लियरली समझा पा रहा हूँ। लिपुगढ़ नाम की जो है वाटर बॉडी, लिपुगढ़, लिपुगढ़, देन आपका यहाँ पे काला पानी। नेपाल बोलता है कि काला पानी के इधर जितनी भी चीज़ें ईस्ट में वो उनकी है, और उनके लिए काला पानी और लिपुगढ़ सेम है, इसलिए वो यहाँ से पूरी अपनी टेरिटरी मानते हैं। बट इंडिया के लिए काला पानी अलग, इसलिए वो यहाँ से नेपाल की टेरिटरी मानते हैं एज पर इंडिया। तो ये जो बीच का एरिया है, नेपाल ये इतना पूरा अपना क्लेम मानता है, बट इंडिया बोलता है कि नहीं, ये पूरा जो है ये उत्तराखंड का पार्ट है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ का पार्ट है। तो ये जो डिस्प्यूट है काला पानी डिस्प्यूट कहलाता है, इंडिया नेपाल के बीच में है, पिथौरागढ़ में आता है, और नेपाल बोलता है कि वो दाराचूला नाम के डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो लिपुगढ़ यानी कि काला पानी, उसके बीच का 38 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया काला पानी डिस्प्यूट कहलाता है। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही है जो कि इस डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट जो न्यूज आइटम है वो ये है कि एक कमिटी बनाई गई है, देयर इज अ पैनल फॉर सॉफ्टर पेनाल्टी अंडर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को देखने की बात की जा रही है, और उसके जो पनिशमेंट्स हैं उनको देखने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट है सेटअप अ कंपनी लॉ कमेटी, एक कंपनी लॉ कमेटी बनाई जा रही है, जिसके अंदर किसके अंदर इंजेटी श्रीनिवास के अंदर, टू फर्दर डी क्रिमिनलाइज द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो डी क्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, यानी कि पेनाल्टी को कम करने की बात की जा रही है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो उसके लिए जो कमिटी है वो इंजेटी श्रीनिवास के अंतर्गत बनाई जा रही है। सो दैट इज द न्यूज आइटम फ्रॉम हेयर, लेट्स मूव टू द फर्दर पेजेस। सो अब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो डिस्कस करने योग्य है जो हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। थैंक यू, प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।